जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लेके आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड, कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन होंगे जिनकी आपकी परीक्षा में, एग्जाम में मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आप निश्चित बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, पेपर जो है वो 50 नंबर का होगा और ये पेपर जो है तीन खंड में होगा, तीन सेक्शन में होगा। तो आइए लेते हैं पहला सेक्शन, खंड ए, सेक्शन ए। तो यहाँ पे बच्चों मैं डिस्कस नहीं करूंगा, केवल आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा जिसको आपको समझने में तकलीफ ना हो। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर चाहिएंगे तो उसके लिए आपको मैं बाद में समय मिलने पे वीडियो बना सकता हूँ। वैसे भी केमिस्ट्री का एग्जाम होने में थोड़ा समय बाकी है। पहला खंड जो होगा वो बहुविकल्पी प्रश्नों वाला होगा। यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। एक सवाल जो होगा एक बहुविकल्पी, एक एमसीक्यू, एक नंबर का होगा। तो इसलिए अगर आप 12 क्वेश्चन करते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 12 नंबर। तो 12 मार्क्स होंगे आपके सेक्शन ए या खंड ए से। क्लियर है? तो बिना समय गवाए मैं शुरू कर रहा हूं। यहाँ पे पहला सवाल है, त्रिबंध में होते हैं तो आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें पूछ रहा है कि भाई कितने बॉन्ड होते हैं, 2 सिग्मा, 1 पाई, 1 सिग्मा, 2 पाई, 3 सिग्मा या 3 पाई। तो इसमें आपको चूज करना है सही वाला विकल्प कौन सा होगा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रोफाइल है तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से इलेक्ट्रोफाइल को चुनना होगा। तीसरा सवाल है, कौन अधिक स्थायी होगा, 1-ब्यूटेन, 6-2-ब्यूटेन, ट्रांस-2-ब्यूटेन, ब्यूटाइन, इनमें से कौन सा सबसे अधिक स्थायी होगा, ये आपको यहाँ पे विकल्प चुनना है। चौथे सवाल में आपको बताना है कौन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाए और न्यूक्लियोफाइल भी बन जाए, वो आपको चुनना है। पांचवा है जी, यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड का आपको IUPAC नाम पूछ रहा है, ये यहाँ पे विकल्प दिए हैं। तो आपको बताना है कि इस यौगिक के लिए, इस कंपाउंड के लिए कौन सा IUPAC नाम सही होगा। छठा सवाल है जी, किसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, डाइमिथाइल ब्यूटेन, स्पष्ट है आपको। सातवें सवाल में आपको एक कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है, इस पदार्थ के लिए आपको बताना है कि इसमें कितने प्रकाशिक समावयवी होंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको बताने हैं। सवाल नंबर 8 में आपको बताना है उस अभिक्रिया के नाम को जिससे प्राप्त होता है आपको शुद्ध एल्केन। नवे सवाल में आपको बताना है इथाइन और जल की क्रिया से बनने वाले पदार्थ को। बच्चों ये आपका एक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद के नाम को आपको बताना है। दसवां सवाल है जी, बेंजीन के सल्फोनीकरण में क्रियाशील स्पीसीज है तो आपको यहाँ बताना है कि बेंजीन की सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर बेंजीन पे इन चारों में से कौन सा अटैक करने वाला है। नेक्स्ट है जी, एल्कीन के ओजोनीकरण से प्राप्त होता है तो ये अभिक्रिया, अगर आपको ओजोनोलिसिस, ओजोनीकरण करनी आती है तो इसका उत्तर आप चुटकियों में दे सकते हैं। बारवा है जी, एसिटिलीन गैस को लाल तप्त लोह पाइप से प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, इन चारों में से आपको बताना है। नेक्स्ट, ब्यूट 1 आयन और BU2 आयन में अंतर के लिए प्रयोग किया जाता है तो आपको बताना है ABCD में से वो कौन सा रसायन है जो BU1 आयन और BU2 आयन में अंतर करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। चौदवा सवाल है जी, कौन अधिक अम्लीय है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन चारों में से बताना है कि कौन सा अधिक अम्लीय है। तो बच्चों अम्लीय वो होगा जो बहुत ज्यादा सरलता से H+ प्रदान करने वाला होगा। हिंट दे दिया मैंने आपको। आइए शुरू करते हैं खंड बी या सेक्शन बी। यहाँ पे शॉर्ट आंसर या लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। 6 सवाल आपको करने हैं, 10 सवाल आपको मिलेंगे, 10 में से 6 करने हैं। अगर पढ़ा है आपने, थोड़ा भी सुना है तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन कर पाना। भाई सर कैसी बात कर रहे हो, अरे मुश्किल इसलिए नहीं है ना बंधु, क्योंकि आपको दे रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हौसला रखिए, उम्मीद रखिए और पॉजिटिव एटीट्यूड से तैयारी करिए, याद कर डालिए इन सवालों को। तो अगर आप 6 सवाल करते हैं, 3 नंबर का एक सवाल होगा, 18 नंबर आपके सेक्शन बी या खंड बी से पक्के। तो पहला जो सवाल बनता है जी, वो बनता है प्रेरणिक प्रभाव और बंध रहित अनुनाद को परिभाषित करने का। अब यहां पे दोनों को डेफिनेशन लिखना है, एक एग्जांपल लिख दीजिएगा। तो प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट होता है और बंध रहित अनुनाद जो होता है ये कहलाता है हाइपर कंजुगेशन। ध्यान रखिएगा, ठीक है जी।
दूसरा जो पॉसिबल क्वेश्चन है जो आपको मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है और मिलेगा सर, काहे नहीं मिलेगा, मिलेगा। दूसरा है गैमेक्सीन और डीडीटी की निर्माण विधियां लिखें। तीसरा बेंजीन संरचना में अनुनाद की उपयोगिता स्पष्ट करें। सर अनुनाद पूछ रहा है, अनुनाद पूछे तो भी यही एग्जाम्पल आप ठोक सकते हैं बेंजीन का, और बेंजीन का पूछ रहा है संरचना तो भी आप यही क्वेश्चन करिएगा। बेंजीन की संरचना पूछे तब भी यही क्वेश्चन, अनुनाद पूछे तब भी यही क्वेश्चन लिखना है। देखा, टू इन वन क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। अगला है जी मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव या खरास नियम को स्पष्ट करें। बच्चों ये अलग अलग भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं, इनकी अभिक्रिया भी आपको मिल सकती है। काफी ज्यादा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एंटी मार्कोनिकोव को खरास नियम भी कहा जाता है, इसको परोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये पांचवा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आपका हैंडी क्वेश्चन है, सीधा अगर आपको उसके रूल्स या नॉर्म्स आते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। आप वीडियो में जाइएगा, वहां पे आपको डीएल सापेक्ष विन्यास का एक वीडियो मिलेगा, उसमें आप देख के इस क्वेश्चन में मास्टर बन जाएंगे। बहुत ही आसान है, चुटकियों का काम है। तो बताना कि इनमें से डी या एल कौन सा होगा। छठा सवाल देखिएगा, यहां पे आपको ई जेड विन्यास निरूपित करना है कि ए बी सी में से कौन सा ई विन्यास वाला होगा या कौन सा जेड विन्यास वाला होगा। अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, आर एस नामकरण स्पष्ट करना है। सर आपको यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चन में आर या एस जो भी यहाँ पे आपका होगा वो नामकरण आपको देना है। अगला है जी आठवां, यहाँ पे इस क्वेश्चन के दो खंड किए हुए हैं क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते थे बंधु। सेटजब नियम से आप क्या समझते हैं, एरोमेटिसिटी से आप क्या समझते हैं? तो सर ये संक्षेप में आता है, शॉर्ट नोट में आता है, तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय में मिल सकता है, आपको तैयार रहिए। अब बढ़ते हैं नवे सवाल की तरफ, इसके दो खंड किए हुए हैं, कोलबे संश्लेषण, कोलबे सिंथेसिस और हकल का नियम। हकल का नियम जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड की, एरोमेटिक यौगिकों की पहचान करने के लिए आता है बच्चों, और कोलबे संश्लेषण या सिंथेसिस जो होता है ये आपके हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके निर्माण में आता है। एल्किन एल्किन एल्काइन, हिंट दे दिया, ढूंढिएगा, हो जाएगा। अगला है जी दसवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ पे, मिथेन का प्रकाश क्लोनीकरण अभिक्रिया विधि को स्पष्ट करें। यहाँ पे आपको CH4 की Cl2 के साथ क्रिया करनी है, सूर्य के प्रकाश में मुक्त मूलक अभिक्रिया यहाँ पे आपको दिखानी है, चरण एक चरण दो है ना जी, वो आपको दिखाने हैं। तो इन 10 सवालों में से आपको कोई से करने हैं 6 सवाल खंड ब के लिए, 18 नंबर के लिए। तो बच्चों अब बात करते हैं खंड स की, सेक्शन सी की। यहां पे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 सवाल आपको कोई कोई चॉइस मिलेगी, आपको कोई 4 सवाल करने हैं। एक सवाल जो है वो 5 नंबर का होगा, 4 सवाल अगर आप 5 नंबर करते हैं तो 20 नंबर आपके सेक्शन सी आपको देके जाएगा। पहला सवाल लिया है जिसके हमने दो खंड कर दिए हैं। पहले खंड में हमने पूछा है किरलता क्या होती है, किरलता या कायरलिटी क्या होती है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। और दूसरा सवाल जो बनता है वो ज्यामिति समावयता के बारे में पूछा है, सिस ट्रांस वाली जो होती है। दूसरा सवाल लिया है जिसके भी हमने खंड किए, मजबूरी है, इतना सारा मसाला है कार्बनिक रसायन में कि समेटने में नहीं आ रहा है, क्या छोड़ें और क्या करें, कितना करें। तो टिप्पणी लिखे, मीजो यौगिक क्या होते हैं, टार्टरिक एसिड इसका एग्जाम्पल है, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल दे दिया है। प्रतिबिंब रूप या एनेंसियोमर क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, है ना जी, डेफिनेशन लिखनी है और एक स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के रूप में बना देना है, नंबर आपके पूरे। तीसरे क्वेश्चन को भी खंडित किया है, इसको भी डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट में, बायर स्ट्रेन थ्योरी क्लियर है यहाँ पे, और ये वोल्फ किस्नर अभिक्रिया जी, और तीसरा यहाँ पे लिया है क्लीमेंसन अभिक्रिया। बच्चों ये नाम से भी आती हैं और इनकी रिएक्शन भी आती है कि उत्पाद क्या होगा, अभिक्रिया पूरी करो या पहचानो, तो इसके लिए आप तैयार रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। चौथा सवाल है जी पक्का एग्जाम में मिल रहा है आपको, अच्छे से कर लीजिएगा। SN1 और SN2 अभिक्रियाओं को वर्णित करें, या तो ऐसे मिलेगा या फिर SN1 SN2 में अंतर करें, अंतर वाला सवाल ही बनता है बंधु, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए फिर पांचवा सवाल देखिएगा, बेंजीन से निम्न यौगिकों का संश्लेषण कैसे करेंगे। तो देखिए तोहफा है ये, एक क्वेश्चन बना दिया है, इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ पे ए बी सी डी या
चार हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पांच नंबर का है। तो यहां पे आपको बेंजीन से ये चारों या पांच जितने भी आपको दिए जाते हैं बेंजीन से बना के दिखाने, केवल रिएक्शन लिखनी है। तो बेंजीन से लिखना है आपको, बना के दिखाना है एसिटोफिनोन, बेंजीन से बनाना है आपको बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन से बना के दिखाना है आपको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और बेंजीन से बना के दिखाना है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड रिएक्शन की अभिक्रिया की मदद से। छठा और लास्ट क्वेश्चन दिया है सर यहाँ पे, निम्न परिवर्तन को पूरा करें, अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित करें, अभिक्रिया दी हुई है इनको आपको पूरा करना है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरल से आपको बनाना है डीडीटी, तो यहाँ पे क्लोरल का स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे कुछ कंडीशन दी होंगी है ना जी, जिनकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। डीडीटी का स्ट्रक्चर बनाना है क्योंकि क्लोरल और डीडीटी का स्ट्रक्चर ही मेन होता है। अब अगर बात करें हम लोग सेक्शन सी की, तो यहाँ पे आपको एसिटिलीन से बेंजीन बनानी है, लेकिन ये इतनी सरलता से नहीं बनेगा, यहाँ पे आपको परिस्थितियां दिखानी जरूरी है। अब बात करते हैं बी की, तो बी में देखिए आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये एल्कीन है, एल्कीन से बना रहे हैं आप एल्कोहल। तो सर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अवस्था लगानी पड़ेगी, वो आपको प्रदर्शित करनी है। अब डी जो आपका चौथा क्वेश्चन चौथा पार्ट है, इसको देखिए यहाँ पे डाई इन का रिएक्शन कराया हुआ है इन से, तो ये आपको बनाना है यहाँ पे उत्पाद डील सेल्टर अभिक्रिया है, ये मैं हिंट दे देता हूँ आपको, तो ये अभिक्रिया आपको पूरी करके दिखानी है। क्या ये आपको स्पष्ट हुआ? तो बच्चों ये वो संभावित क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, कार्बनिक रसायन के लिए, निस्संदेह अगर आप इनको कर लेते तो कोई आपको अच्छे नंबर देने से नहीं रोक सकता है, वो आपका हक है, वो आपको मिलेगा, बशर्ते अगर आपको ये आता है, अगर आप इसको कर लेते हैं ठीक है, कीजिए, दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, हम आपके लिए ही तो बैठे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।